एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए, और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिए। वीडियो हमारे आपको कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और क्या स्पेशल है, मेरे को मिला है बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा गिफ्ट, वो हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। और कुछ कुछ इंडिया से मंगाए हैं वो भी शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरे को तो बहुत पसंद है, आप लोग बताने की कैसा लग रहा है। और ये मिला है मेरे को मेरी फ्रेंड की तरफ से, और आई थी तब भी दी थी दिखाए। चलिए आप लोग अभी तक आइडिया लगाए क्या हो सकता है, बताइए बताइए। खर 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 कर रहा है ना, कुछ भी तो साउंड कर रहा है, क्या हो सकता है बताइए। चलिए अब इस मोमेंट को खत्म किया जाए और दिखाया जाए कि भाई क्या है। ये सरप्राइज वाला मोमेंट ना बहुत खतरनाक होता है। चलिए देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे मिला है मेरे को बहुत ही प्यारा सा साड़ी, और ये मिला है मेरे को कंचन की तरफ से गिफ्ट मिला है, वो मेरे लिए लेके आई है इंडिया से। वाओ, ये देखो कैसा लग रहा है। हाँ ये मस्त लग रहा है ना। उसको पता है कि दीदी को ना साड़ी बहुत पसंद है, और दीदी साड़ी पहनती है तो मस्त, जब भी जाती है ना तो वो लेके आती है। लास्ट टाइम एक और लेके आई है, आप लोग को याद होगा कि नहीं, वो भी हम दिखाएंगे। और ये एक लेके आई है इस बार, और इसका प्रिंट भी ना बहुत सुंदर है। वो ना बोली दीदी पहनोगे कब, दीदी पहनोगे कब, ला के देते हैं दीदी पहनोगे कब, वो ना वेट करते रहती है कब पहनेंगे। और मेरे इधर क्या है ना, नया साड़ी ना कोई ओकेजन जिसमें नया पहनना है ना, हम उसमें पहनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तो साड़ियां है ही, वो तो पहनते हैं, लेकिन हमको ना नया साड़ी जिसको आखर हम लोग बोलते हैं, जैसे तीज में, करवा चौथ में, बड़ सावित्री में, सब में नया पहना जाता है। ये देखिए इसका ये है आंचल, और ये आंचल हो गया, और ये इसमें दो का सेट है, ग्रीन का और ये रेड का, एक बूंदा बूंदी का है ये है, और एक ये है फ्लावर का। तो हमको लगता है ये प्लेटी बनेगा ये, तो बहुत ही प्यारा लगा। जब दी ना तभी हमको इतना अच्छा लग रहा है ना। और इसका ब्लाउज नहीं सिलवा के लाई हूँ लड़की, उसको ना अब कोई ब्लाउज इसका सिलवाना होगा, देखते हैं। और इसका ब्लाउज ऐसे तो मेरे पास ग्रीन ब्लाउज है, उस पर चल जाएगा, मैचिंग तो हो रहा है, इसको कभी होगा तो पहनेंगे, और ब्लाउज इंडिया जाके ही सिलवाएंगे हम। एक ये साड़ी मिला, आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है ये साड़ी। ये थोड़ा हल्का है, लास्ट टाइम जो दी थी ना थोड़ा इससे भारी था, बट ये हल्का लग रहा है, वो भी दिखाते हैं वो कैसा है। आप लोग बताइएगा फटाफट कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं साड़ी। भाई मेरा फेवरेट है, कोई दे देता है तो भाई मजा आ जाता है। चलिए ये इस बार मेरे को मिला है कंचन की तरफ से। चलिए पहले दिखाते हैं और क्या क्या इंडिया से हो आया, इंडिया से क्या क्या आया वो देखते हैं। एक ये है, एक ये है, ये है, पहले इसको दिखाया जाए, उसके बाद एक बैग और है। हाँ एक बैग और, चलिए एक यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये क्या है। और यहाँ पे एक ये मंगवाए हैं, ये वो आ रही थी ना तो उसके घर पे ऑर्डर दे दिए थे, और ये कुर्ता है, और ये सरारा बोलेंगे ये, हाँ वही है कि प्लाजो है, इसको क्या बोलेंगे, सरारा ही बोलेंगे ना कि प्लाजो बोलेंगे, आप लोग बताना कमेंट करके इसको क्या बोलेंगे। ये मिरर वर्क होता है ना, मिरर वर्क मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, और ब्लैक कलर ना हम पहली बार, मतलब शादी के पहली बार हम ब्लैक सूट या साड़ी पहली बार लेने वाले हैं। आज तक हम ब्लैक कलर का ना टी शर्ट वगैरह पहने हैं, बट साड़ी सूट नहीं पहने थे, पहली बार मंगवाए हैं। और ये देखेंगे ट्राई करके कि कैसा है।
देखो ये मिरर वर्क है ना, तो मिरर वर्क बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बोले ना समर आएगा ना, मेरे को चाहिए कपड़े, इंडियन ड्रेस, कपड़े नहीं इंडियन ड्रेस चाहिए मेरे को। और साड़ी तो मेरे को ना बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे फ्रेंड लोग दे देते हैं, तो साड़ी तो बहुत हो जाता है। चलिए एक कुर्ता ये मंगाया है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और इसका प्राइस आप लोग पूछिएगा कहाँ से लिए, फिर बताएंगे। सारा चीज खुद से नहीं बताना चाहिए, कुछ आपके लिए भी तो रखना चाहिए कि आप लोग भी कुछ कमेंट करें, बताइए तो। और एक और मंगाया है ये कॉटन का कुर्ता है, ये डेली यूज के लिए मंगाया है, वो तो कभी कभी पहन सकते हैं, लेकिन ये डेली यूज के लिए मंगाया है। ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्मल कुर्ता बहुत ही प्यारा लग रहा था, एकदम कॉटन है, ब्लू कलर का है, साथ में इसमें प्लाजो दिया है। ये देखो ये व्हाइट कलर का यहाँ पे प्लाजो दिया है। ये दो सूट आया है मेरा इंडिया से। हाँ और ना और सारा था मेरे लिस्ट में, बट क्या था ना उसका आने का डेट ना एकदम नजदीक हो गया था, जो ऑर्डर कर रहे थे ना वो बहुत लेट पहुंचा रहा था, और जल्दी में बस ये दोनों पहुंचा वहां पे, हमने जो मिल रहा है लेके आ जा। तो चलिए इसको देखेंगे कि कैसा है, इसका अभी तक ट्राई भी नहीं किया है कि ये इसका लंबाई चौड़ाई कैसा है, फिटिंग कैसा है, ये सब भी करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ नेक्स्ट अब आया है यहाँ पे ना ब्लाउज सिलवा के लाए हैं, दो साड़ी हमको एक सब्सक्राइबर मेरी फ्रेंड की तरफ से मिला था, सब्सक्राइबर दी थी, और एक दी थी कंचन लास्ट ईयर जो साड़ी दी थी उसका ब्लाउज सिलवाया है, वो दिखाना है यहाँ पे। ये देखे ये नापी था जो दिए थे कंचन को, और ये एक ब्लाउज सिला है यहाँ पे, वो सिलवा के लेके आई है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है ब्लाउज का, साड़ी से चलो मिल जाता है लेकिन ब्लाउज का ही प्रॉब्लम होता है। और ये आया है और इसका साड़ी दिखाते हैं, आप लोग को याद होगा कि नहीं लास्ट ईयर जो कंचन साड़ी दी थी वो कौन सा है, याद है नहीं यार, चलिए दिखाते हैं उसका। ये ब्लाउज है और ये है साड़ी, परसों से साड़ी भी दिखाते हैं आप लोग को। ये रहा साड़ी, अब हमको ना बैठ के धागा तो लेके आए हैं थ्रेड, अब ये सब ना ये हाथ से पूरा पिको करना, हाथ से करना पड़ेगा ये सब कुछ। ये साड़ी कंचन की तरफ से ये भी गिफ्ट मिला था लास्ट ईयर मिला, वो ना कब से बेचैन है दीदी, कब पहनोगे कब पहनोगे। और इस कलर का ना मेरे पास एकदम इस कलर का ना ब्लाउज था ही नहीं मेरे पास, और इसका जो है ना आंचल इसी कलर का है, या पिंक में भी एकदम था, पिंक है ना आंचल, ना तो इस कलर का ब्लाउज है ना तो इस कलर का, थोड़ा सा ना डार्क हो जा रहा था जो भी था ना, या तो लाइट हो जा रहा था या तो डार्क हो जा रहा था, तो ये इस कलर का ना एकदम ब्लाउज था ही नहीं जिसको हम पहन सके, समझे। इस बार ना कंचन को बोले साड़ी पहनेंगे ना तो उससे पहले तू ब्लाउज सिला के लेके आ, तो ये लेके आई है और ब्लाउज सिला के अब ये साड़ी पहना जाएगा, समझे, क्योंकि ये दी थी लास्ट ईयर दी थी ना, हाँ लास्ट ईयर दी थी, और तब से ना ऐसे ही रखा हुआ है, इसको पहनेंगे, आप ब्लाउज आ गया ना तो इसको सोच रहे हैं ना फॉल तो नहीं लगेगा, फॉल मंगवा लेंगे बाद में, पिक्को कर देते हैं, पिक्को ये साइड वाले में ना, ये पिक्को कभी बैठ के करना होगा। थ्रेड लेके आए हैं, मशीन है चला देंगे, ये सारा काम अब करना है, तो सोचे उससे पहले सब दिखा दे आप लोग को, क्योंकि ये सब अब निकालना है, थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो उसका तैयारी तो थोड़ा करना बनता है ना, समझे। तो ये सारी ये कैसा लग रहा है ये बताइए, कौन सा लग रहा है, दोनों अपने अपने जगह पे है, और ये कलर बहुत प्यारा है, ये कलर का कॉम्बिनेशन और ये रेड वाला का, ये रेड वाला का। और आप लोग इस साड़ी को क्या बोलते बताइएगा, मैं ये पहनू कि मैं ये पहनू कि मैं ये पहनू कि ये पहनू, बताइए। तो इसका ब्लाउज नहीं है लेकिन हाँ ये इस टाइप का ब्लाउज है, थोड़ा सा डार्क वाला बोले ना इस टाइप का ब्लाउज है, वो चल जाएगा, बट मेरे को चाहिए नया नया देखना पड़ेगा ब्लाउज। और ये साड़ी का तो चलो ब्लाउज आ गया, सोच रहे हैं क्या पहने, ये कि ये देखते हैं कौन सा फेस्टिवल आता है और कौन सा पहनते हैं। चलिए ये दोनों को रखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक और ब्लाउज सिला के आया है,
यहाँ पे एक और ब्लाउज आया है सिला के, ये भी साड़ी था बट ब्लाउज नहीं था। और ये साड़ी मेरे को दी है मेरी एक सब्सक्राइबर, मेरी एक फ्रेंड, जो मेरे बर्थडे पर गिफ्ट मिला था ये लास्ट ईयर, तो उसका भी ब्लाउज सिल के आ गया। ये भी साड़ी मेरे को पहनना है, और सेम ये भी न्यू है, इसको भी कोई ओकेजन में पहनेंगे, ऐसे ही रैंडम नहीं पहनेंगे, कोई ओकेजन होगा जिसमें पहनने, हाँ मतलब न्यू साड़ी पहनना रहता है उसी में पहनेंगे। चलिए ये है, और इसका साड़ी का लुक दिखाते हैं कि मेरी सब्सक्राइबर मेरी फ्रेंड की तरफ से क्या मिला। ये था साड़ी, ये इसका भी साथ में वही है, इसके साइड निकाले हैं क्या, अभी साइड वगैरह ना सब पिको वगैरह करेंगे, थोड़ा सा फोल्ड करना होगा। ये देखो, और ये भी पिंक कलर आई, भी बहुत प्यारा साड़ी लग रहा है, वहां कलर थोड़ा सा दूसरा जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा नहीं सेम ही जा रहा है, सेम ही जा रहा है। हाँ इसका भी लुक ना बहुत अच्छा है, मैं वहां अपनी बहन को दिखाया ना, उसको भी बहुत अच्छा लगा साड़ी। पिंक पिंक तो नहीं हो गया ना सब, नहीं थोड़ा सा अलग है, ये भी पिंक थोड़ा सा अलग है और ये तो अलग है। हाँ वो बीच में ना ग्रीन और पिंक, ये पूरा पिंक है और गोल्डन है, ये कैसा लग रहा है? और इस साड़ी को आप लोग क्या बोलते हैं, जिनको पता होगा प्लीज कमेंट कीजिएगा। ये देखो, तो चलो फाइनली ये भी साड़ी का ब्लाउज आ गया, मतलब सारा साड़ी का ब्लाउज हो गया है। और किसी को साड़ी देना है तो कृपया मेरे एड्रेस पे दे सकते हैं, मेरे को साड़ी का सख्त सख्त जरूरत है बाबा। चलिए और मंगाए हैं छोटा मोटा सामान और मंगाए हैं, वो दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। तो कैसा लगा साड़ी हमारा बताइएगा, तो 3 साड़ी दिखाए और 2 सूट, मेन ब्लाउज का झंझट हो जाता है यहाँ पे। चलिए इसको रखते हैं फिर दिखाते हैं। और यहाँ पे साथ में ये देखा, इसमें भी कुछ कुछ आया है, इसमें क्या क्या आया है वो देखते हैं। ये हमारा एक फेस वॉश है वाओ का, ये भी है फेस वॉश, अभी तक जो भी आ रहा है ना ये वाला फेस वॉश ना अभी मेरे फेस को ना बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, इसीलिए ये वाला ही मंगाते हैं वाओ का, साथ में मंगाए हैं। बाकी वो अपने मन से सब कुछ लेके आई है, ये बैंगल ये लेके आई है, इसके बाद सिंदूर लेके आई है, उसके बाद ये लेके आई है बिरयानी के लिए गुलाब जामुन, ये गुलाब जल रोज वाटर जो होता है बिरयानी के लिए, उसके बाद बिरयानी में जो हम मसाला ये सुगंध वाला डालते हैं ना ये डालते हैं, ये वो लेके आई है। इतना पहली बार उसके यहाँ खाए थे, इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा मतलब टेस्ट, और ये लेके आते हैं, इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना बिरयानी का, मत पूछिए। ये एक पैकेट मंगाए हैं बिंदी कुमकुम, और एक ये लेके आई है मतलब चूड़ी भी नया हो गया बाबा, ये देखो देख रहे। उसके बाद और क्या है, 2 9 to 5 cc क्रीम है हमारा, उसके बाद लैक्मे का 9 to 5 फेस पाउडर है, और एंड 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 एक बैंगलोर है, ये इतना सारा सामान आया है। ये देखें, बहुत प्यारा लग रहा है ना, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है सब। तो चलिए ये था हमारा इंडिया से शॉपिंग आया था कुछ कुछ, और बाकी गिफ्ट मिला है। तो कैसा लगा हमारा ये प्यारा सा गिफ्ट बताइएगा कमेंट करके, कौन सा अच्छा लगा आपको ये भी बताइएगा भाई। इसी तरह आप लोग भी देते रहिए, क्या करते हैं, भेजिए भाई साड़ी ही भेजिए, नहीं कुछ भेजिएगा तो लाइक कमेंट तो देते नहीं, कम से कम साड़ी ही भेजिए। चलिए आज का ब्लॉग अभी यही एंड करते हैं, और बस थैंक यू कंचन इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए, और थैंक यू सुजान फाइनली आपका ब्लाउज सिल के आ गया, पहनेंगे तो जरूर देखिएगा।
उनको भी थैंक यू, क्योंकि सुजान अपने गांव से लेके आई थी वो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर ब्लॉग हमारे किसी रीजन पे अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। टाटा।